फर्स्ट है टेंजिबल असेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब जो टेंजिबल असेट्स है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है इसमें, आपको ये बताना है। गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक या फिर कैश, बताइए। देखिए टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो फर्नीचर, स्टॉक एंड कैश, इन सबको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन गुडविल को नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। अब क्रेडिट बैलेंस जो है पर्सनल अकाउंट का वो क्या है, कैश इन हैंड है, अमाउंट रिसीवेबल है, अमाउंट अर्न है या फिर अमाउंट पेएबल है। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए क्रेडिट बैलेंस पूछा है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है आपको कोई अमाउंट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अमाउंट पेएबल। और अगर डेबिट की बात करते हो तो डेबिट का मतलब होता है आपको कुछ रिसीव करना है, तो वो हो जाता है अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्रेडिट बैलेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस क्या है, एन अकाउंट, सब्सिडरी बुक, अ लिस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। जल्दी से आंसर करिए। देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है एक लिस्ट होती है, जिसके अंदर हमारे डेबिट और क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके यहाँ पर एक, यहाँ पर हमें डिटेल दी होती है कि इस अकाउंट में हमने इतना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो एक लिस्ट होती है, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ना ही कोई ये हमारे सब्सिडरी बुक से रिलेटेड होता है। ये बस हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर हम अपने ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज डेट, एवरेज ड्यू डेट इज। अब एवरेज ड्यू डेट क्या होती है, मिडिल डेट ऑफ करंट अकाउंट, सर्टेन डेट डिटरमाइंड बाय क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, एवरेज डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयरिंग। आंसर करिए जल्दी से। देखिए एवरेज डेट जो होती है वो हमारी एवरेज डेट ऑफ पेमेंट बताती है, यानी कि ऐसी डेट जिस पर हम पेमेंट करें तो किसी भी तरह से दोनों पार्टी में से किसी की कोई भी, अब इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है क्रेडिटर एक होता है डेटर, तो किसी भी पार्टी की इंटरेस्ट का लॉस ना हो। क्योंकि अगर पहले पेमेंट कर देंगे तो किसका लॉस होगा, डेटर का, और अगर पहले यहाँ पर क्रेडिटर का फायदा हो जाएगा, और अगर देर से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर डेटर का फायदा होगा लेकिन क्रेडिटर का लॉस हो जाएगा। इसलिए बीच की डेट निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं एवरेज डेट ऑफ पेमेंट, जिस पर ना डेटर को कोई प्रॉब्लम होगी ना ही क्रेडिटर को, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट डेट है, क्वेश्चन है विच इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बतानी है। देखिए ये आप सबको पता है, जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक साइड होती है हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड में, और दूसरी साइड होती है हमारी असेट्स। तो अगर यहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वो सॉरी ये वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि असेट्स और कैपिटल को प्लस करेंगे तो लाइबिलिटीज इक्वल नहीं होंगी, और ये कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस प्लस लाइबिलिटीज, ये भी गलत इक्वेशन है। एंड ये भी इक्वेशन ये होती है, ये हमारी होती है लाइबिलिटी साइड, और इधर होती है हमारी असेट साइड, जहाँ टोटल असेट्स होती हैं, और यहाँ पर हमारी
कैपिटल होती है और साथ में लाइबिलिटीज होती हैं, तो इन दोनों ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखिए ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग अ चेकर। अब जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है वो कितनी तरह की होती है आपको ये बताना है। टू है, थ्री है, फोर है या सिक्स है, और अगर नाम भी पता हो कि ये टाइप है और ये इनके नाम है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। देखिए राइट आंसर है यहाँ पर टाइप्स ऑफ चेक की बात करें तो वो है दो, दो तरह की चेकिंग होती क्रॉसिंग होती है हमारी, एक होती है हम बात करें तो जनरल क्रॉसिंग और एक होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। देखिए जनरल क्रॉसिंग वो होती है जब अकाउंट के साइड में हम दो यहाँ पर लाइन करते हैं, ठीक है, दो लाइन कर देंगे और फिर यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे, अकाउंट पे ओनली, तो ये तो हो गया हमारा जनरल क्रॉसिंग। और अगर हम बात करें स्पेशल क्रॉसिंग की तो किसी भी चेक के साइड में जब हम दो लाइन करते हैं और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम भी लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्पेशल क्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में है बोथ डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस, ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली कैश कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ बैंक एंड कैश कॉलम, या फिर नाइदर बैंक नॉर कैश कॉलम, बताइए। आंसर करिए जल्दी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम कैश कॉलम की बात करते हैं तो कैश कॉलम में सिर्फ उतना ही कैश होगा, मतलब जितना ही कैश होगा हम उतना ही तो यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा कैश तो यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन बैंक कॉलम में क्या होता है, हम कई बार लोन भी ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास कैश ना होकर भी हम उसको उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, अपने अकाउंट में ना होकर भी ज़्यादा उसको खर्च कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने ले रखी हो, लोन फैसिलिटी हमने ले रखी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डेबिट साइड भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट साइड भी हो सकता है बैलेंस। नेक्स्ट है द लोअरेस्ट एनक्लोजर ऑफ फाइलिंग इज द फाइल, बताइए लोअरेस्ट एनक्लोजर कौन सा है फाइलिंग का, फाइल के अंदर वायर फाइलिंग, हैंगिंग फाइलिंग, स्टैंडिंग फाइलिंग, या फिर बोथ बी एंड सी। देखिए सबसे लोएस्ट की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायर फाइलिंग। वायर फाइलिंग क्या होता है, आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं और वहाँ पर आप सबसे कम जहाँ पर बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं पेपर पर, यानी कि पेपर का वहाँ पे एक्सचेंज बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्योंकि कम पेपर होंगे वो लोग कहीं एक वायर टंगा कर उस पर अपने सारे पेपर हैंग कर सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट कम है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर आप एक वायर पे सारे डॉक्यूमेंट हैंग नहीं कर सकते, इसलिए लोएस्ट फॉर्म है यहाँ पर वायर फाइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोल्डर फाइल, वन टू थ्री एंड फोर, बताइए कितनी तरह के फोल्डर फाइल होती हैं हमारी। देखिए फोल्डर फाइल की बात करें तो दो तरह की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ फाइलिंग डिपेंड्स ऑन, अब एक आइडियल फाइलिंग सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल पर, प्रोडक्शन पर, कंस्ट्रक्शन, या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस पर। अगेन वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन, 2019 का ओवरऑल पेपर देखें तो सिंपल आया था।
देखिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको इस पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, जहाँ कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब कम ट्रांजेक्शन्स कहाँ होंगे, या तो कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि सारे वहाँ पे काम मशीन से होते हैं, ठीक है, पेपर वर्क भी मशीन के थ्रू होता है, या तो वो ऐसा फॉर्म हो बिजनेस का, तब वहाँ पर हम डिपेंड करेंगे, ठीक है, और कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए, या फिर वहाँ पर सारा काम कैसा होता है, स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बिजनेस का टाइप क्या है। तो हम आइडियल सिस्टम एक कोई एक पर्टिकुलर लेकर नहीं चल सकते, आइडियल सिस्टम सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि फॉर्म कैसी है बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइन कार्ड। अब साइन कार्ड जो होता है कहाँ यूज किया जाता है, कार्ड इंडेक्सिंग, वोवल, लेटर बुक इंडेक्सिंग, या फिर क्रॉस इंडेक्सिंग। देखिए साइन कार्ड की बात करें तो कार्ड इंडेक्सिंग में होता है, कार्ड इंडेक्सिंग में चार मटेरियल की जरूरत होती है, और ये जो साइन कार्ड है कार्ड इंडेक्सिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर बुक इंडेक्स इज यूज्ड। अब लेटर बुक जो है वो किस में यूज की जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लार्ज बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में, या फिर ऑल ऑफ द अबव में। लेटर बुक की बात की जा रही है तो देखिए सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेटर बुक में आपके सारे डॉक्यूमेंट कैसे आएंगे, ए बी सी, और अगर ए से ही ये मान के चलिए आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट हैं, तो पूरे जेड तक कितने सारे हो जाएंगे, तो उनको फाइंड आउट करना मुश्किल है, या 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक स्मॉल बिजनेस में सही रहेगा, अगर 100 भी हैं तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो स्मॉल बिजनेस के लिए लेटर बॉक्स वाली इंडेक्सिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक, प्रोवाइड सर्विसेज, अर्न प्रॉफिट, वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पीपल, या फिर ऑल ऑफ दीस। आंसर करिए, कॉमर्शियल बैंक का पूछा है यहाँ पर, कॉमर्शियल बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए कॉमर्शियल बैंक की बात की गई तो इसका मेन पर्पस होता है अर्न करना प्रॉफिट, और अगर इसके जगह कोऑपरेटिव बैंक पूछा गया होता है तो कोऑपरेटिव बैंक का काम होता है सोसाइटी की हेल्प करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल, और प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन कॉमर्शियल पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंडिया की सेंट्रल बैंक आपको बतानी है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, एक दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दी में कि यार ये तो बहुत इजी है, जल्दी से इस तरह आंसर करते हैं कि वो गलत कर देते हैं। बताइए बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक तो इंडिया की नहीं है, सेंट्रल बैंक तो हर कंट्री की एक है, नाम ही सेंट्रल है, लेकिन वो सेंट्रल बैंक है कौन सी, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की पूछा है तो वो है रिजर्व बैंक। कई लोग स्टूडेंट जल्दी जल्दी में सेंट्रल बैंक पर भी टिक लगाए आएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है रिटेल ट्रेडर्स परचेस गुड। अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो किससे परचेस करते हैं, होलसेलर से, फ्रॉम कस्टमर, सेल्फ प्रोडक्शन, या फिर फ्रॉम प्रोड्यूसर। बताइए रिटेल की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, होलसेलर। रिटेल होलसेलर्स खरीदते हैं, देखो ऐसी चेन होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से खरीदेगा कौन, होलसेलर, होलसेलर से खरीदेगा रिटेलर, और रिटेलर से कौन खरीदेगा, कस्टमर। अब बीच में एजेंट भी आ सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से होलसेलर में भी एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया, ये डिपेंड करता है। वेराइटी है इसमें, बहुत सारी फॉर्म्स हैं इनकी चैन की, एक सिंपल मैंने आपको ओवरऑल बता दी है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर भी आ जाता है, बीच में एक एजेंट होगा, या फिर नहीं भी हो सकता, या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रिटेलर भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस जगह पर कौन सा प्रोडक्ट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ए हो पी से हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू से आर, आर से सी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है
वॉट इज क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ करंट सप्लाई, करेंसी सप्लाई, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए आंसर करिए, ठीक है। देखिए सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की बात की जा रही है, तो क्रेडिट ना ज्यादा हो ना कम हो, ये दोनों ही चीजें देखनी है कंट्रोल के अंदर, इसलिए एक्सपेंशन भी देखना है, ज्यादा ना हो जाए, और कॉन्ट्रेक्शन भी। नेक्स्ट है होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम। अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिटेलर किससे बाय करता है, अब यहाँ पर पूछा गया है होलसेलर किससे बाय करता है, रिटेलर से, कंज्यूमर से, सेल्फ प्रोडक्शन है, या फिर प्रोड्यूसर से। आंसर करिए, इसका सिंपल आंसर है डी। वहां भी मैंने आपको चेन के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने वाली इससे नेक्स्ट वो प्रीवियस वाली ही थी डे 4 की क्लास, उसमें ही मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इन टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब टू सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारी इलास्टिसिटी की डिमांड जो है वो किस तरह की होगी, इनफाइनाइट, जीरो, मोर देन यूनिट, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात की गई है, तो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा जो इलास्टिसिटी होती है हमारी डिमांड की वो मोर देन यूनिट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज, सेंट एक्टिविटीज, या फिर माइजरी एक्टिविटीज। देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम इसमें बात करते हैं, इनकी नीड की, इनकी डिमांड की, और इनकी ये देखते हैं इनकी अनलिमिटेड डिमांड्स, हमारी लिमिटेड डिमांड से किस तरह सेटिस्फाई हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ, या फिर रिकार्डो। आंसर करिए, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, हिक्स। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बस इसको सीक्वेंस कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या चीज़ पहले चाहिए, क्या चीज़ बाद में चाहिए, हम सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमें किससे कितनी यूटिलिटी मिली। ये हमें कंज्यूमर के कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर कंज्यूमर जिससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उससे उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, और जिससे वो कंज्यूम नहीं कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन कितनी मिल रही है ये हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ये इन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट है चूज करेक्ट ऑप्शन, लेबर इज डिस्ट्रॉयबल, लेबर इज अनडिस्ट्रॉयबल, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव।
आंसर करिए, लेबर किस तरह की होती है? देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेबर हमारी डिस्ट्रॉयबल भी हो सकती है, अनडिस्ट्रॉयबल भी हो सकती है, दोनों ही तरह की हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लेबर है सिर्फ हमारे लिए डिस्ट्रॉयबल का काम करेगी, क्योंकि लेबर जो होती है वो हमारे फिजिकल मेंटल दोनों तरह का काम करते हैं हमारे प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ये फिजिकल वर्क भी करेगी, मेंटल एक्टिविटीज भी करेगी, जो कि डिस्ट्रॉयबल है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ दीज। अगेन वही वाली चीज आ गई, डिस्ट्रॉयबल अनडिस्ट्रॉयबल। तो लेबर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, अनप्रोडक्टिव भी। अगर वो काम कर रही है, कुछ आउटपुट दे रही है तो प्रोडक्टिव है, काम नहीं कर रही है, लेजी है, अनप्रोडक्टिव है, दोनों ही चीज हो सकती है। अगर वो स्किल है उसके अंदर, इंटेलिजेंट है, या फिर जिस काम के लिए लगाया गया है वो नॉलेज उसके अंदर, तो प्रोडक्टिव है। लेकिन जो काम के लिए लगाया गया है उसके अंदर वो नॉलेज ही नहीं है, तो अनप्रोडक्टिव है, यानी नॉन प्रोडक्टिव है। इसलिए ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, चेक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ए बी बोथ, एबिलिटी चेक। देखिए कॉस्ट की बात की गई है, तो ये पूरा इसकी एक्टिविटी कहाँ पर घूमेगी, सिर्फ कॉस्ट के आसपास घूमेगी। तो यहाँ पे कॉस्ट को, अकाउंटिंग को चेक करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, सिर्फ इसका यही काम है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाए। ये बस ये देखेगी कॉस्ट का सही तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं, जितनी कॉस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर सही तरह से यूज़ हो रहा है या नहीं, या फिर उनका वेरिफिकेशन सही तरह से हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें इनका देखने का काम होता है। ऐसा तो नहीं है एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने रिकॉर्ड कर दिया या फिर कम कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करी है, सिर्फ इसका यही काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हु कैन क्रॉस द चेक, ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर, ऑल ऑफ दिस। कौन क्रॉस कर सकता है, यानी कि ये चेक के साइड में दो तिरछी लाइन होती है, वो कौन काट सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका अधिकार सिर्फ ड्रॉअर को होता है, होल्डर नहीं कर सकता ना बैंकर को। राइट है, ठीक है। तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई भी डाउट है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।